रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। वक्त के साथ राजनीति भी बदलती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में। बिहार में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद MOI समीकरण को लेकर के 15 सालों तक बिहार के सत्ता पर काबिज रहे और विपक्ष में भी उनकी भूमिका एक सशक्त विपक्ष की रही है। उसके पीछे भी कारण रहा है उनका MOI समीकरण। हार जीत अलग फैक्टर है पर MOI समीकरण लालू प्रसाद के साथ हमेशा रहा है। 2015 में भी जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आकर के चुनाव लड़े उस समय भी यह समीकरण पूरी तरह से काम किया था और इस फैक्टर ने ही दोबारा नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाया ही था, वहीं लालू प्रसाद को सबसे अधिक सीटें भी प्राप्त हुई थी। अब इन सब बातों को लेकर के और वक्त के बदलने के साथ साथ सियासत भी बदलती रही है, खास करके RJD का ये जो नया लोग हैं जिस तरह से राजनीति को देख रहे हैं और वक्त के साथ बदल रहे हैं, उनमें तेजस्वी यादव का असर पूरी तरह से नजर आने लगा है। आपको याद होगा कि आरक्षण पर विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ा था RJD को, लोकसभा चुनाव में उसका सुपड़ा ही साफ हो गया था। अब जानकारी जो हमारे तक आई है उस जानकारी के अनुसार RJD की जो नई कमेटी और नई टीम बन रही है उस टीम को अब नए कलेवर और तेवर में देखने को मिलेगा। इसमें खास करके बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारी जानकारी जो मिली है इस नई टीम में लालू के सबसे पुराने रणबांकुरों की इस बार छुट्टी होने वाली है, क्योंकि पार्टी की नई नीतियों में अब आंतरिक संगठन में 45% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें 17% दलित और 28% अति पिछड़ों को मौका मिलने वाला है, जबकि 22 ऐसे जिले हैं जिन्हें पार्टी ने आरक्षित भी कर दिया है। स्वाभाविक है कि इन जिलों में केवल अति पिछड़ों और दलितों को ही जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। वहीं ऐसी जगहों पर लंबे समय से यादव या फिर मुसलमान ही जिलाध्यक्ष बनते थे। आपको बता दें कि जो कुछ भी हुआ उन सब को लेकर के तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पूरी टीम का मंथन किया, मंथन के बाद वरिष्ठ नेताओं और युवाओं के साथ जो बैठ करके चर्चाएं हुई उसका अब रंग रूप देखने को मिलेगा RJD की इस नई टीम में। 50 जिलाध्यक्षों को मनोनीत किया गया है जिसमें 38 जिलों के जिलाध्यक्ष के साथ 9 महानगर और 3 नए क्षेत्रों के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी घोषणा तेजस्वी यादव की उपस्थिति में होगी। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार दिल्ली में समाप्त होने के बाद पटना लौट रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने इस बार एक नया प्रयोग किया है। अब इस प्रयोग का असर कितना होगा और खास करके इस प्रयोग के पीछे आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के जो बचे खुचे EBC वोट बैंक हैं उनको साधने का प्रयास किया गया है। अब आपको बता दें कि जिन जिलाध्यक्षों में पहले यादव और मुसलमानों का वर्चस्व था वहाँ भी अब अलग अलग जाति के आपको अध्यक्ष और पदाधिकारी देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत बड़ा योगदान और रोल लालू प्रसाद का भी रहा है। हालांकि यादव और मुसलमानों को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो इसका भी ध्यान रखा गया है और डैमेज कंट्रोल की भी बातें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है और लालू प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक इसमें काम करेगा। जिन जिलाध्यक्षों का इस बार लगभग पत्ता साफ होने वाला है उन्हें मनाने के लिए पार्टी उनके कद के मुताबिक प्रदेश स्तर में लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें समायोजित करेगी और उनको मान सम्मान देने का काम करेगी। इसका मतलब यह है कि जो जिलाध्यक्ष पार्टी के विधायक भी थे उन्हें जिला से हटा करके राष्ट्रीय कमेटी में शामिल किया जाएगा और बाकी जिलाध्यक्षों को प्रदेश स्तर की कमेटियों में भागीदारी और हिस्सेदारी दी जाएगी। इन सब को लेकर के नाराज जिलाध्यक्षों को बहुत हद तक मनाने की पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। दलित जिलाध्यक्ष बनाया गया है और अति पिछड़ों को कई जिलों में जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ एक यादव और मुसलमान प्रधान महासचिव भी बनाए जाएंगे ताकि यादवों और मुसलमानों की नाराजगी दूर हो जाए। इन सब को लेकर के जिस तरह से
नई टीम बनाई गई है, उसमें जगदानंद सिंह का भी रोल है और इसके साथ ही जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसमें इन्फ्लुएंस जो है वो तेजस्वी यादव का ज़्यादा नज़र आ रहा है। जिलाध्यक्षों की नई टीम को लेकर आरजेडी के भीतर जहां कोहराम मचा हुआ है, वहीं जिन जिलाध्यक्षों का पतला साफ होने वाला है उनकी बेचैनी देखने लायक है। पार्टी के अधिकांश जिलाध्यक्ष पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार फोन कर रहे हैं। जैसी हमारी सूचना है उसके अनुसार अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी बहुत परेशान हैं। आज दिन भर पटना में तेजस्वी यादव का इंतजार होता रहा पर नहीं आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल के अपेक्षा आज ज़्यादा कुछ बातें सुधर जाएंगी। आज तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं और उनके आते ही बहुत कुछ मामला सलटने और डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है। जगदानंद सिंह की परेशानी जैसे ही तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे कम हो जाएंगी। हालांकि पार्टी के अंदर जिन लोगों के सीट और कुर्सी यानी कि अध्यक्ष पद और अन्य पदाधिकारियों के पद से हटने की संभावनाएं हैं वो लगातार अपनी कवायद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का पूरा इन्फ्लुएंस है और तेजस्वी यादव ने इस बार के 2020 के चुनाव में हर उन संभावनाओं पर विचार किया है जिससे वो एक मजबूत विकल्प दे सकें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसमें सवर्णों को भी स्थान मिला है और आपको जैसा देख ही रहे हैं कि अध्यक्ष ही सवर्ण बनाए गए हैं। ये पूरी कवायद जब घोषणा हो जाएगी तो आपके सामने खुलकर आ जाएगी, पर हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार पूरी तरह से इसमें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता जो कि लालू प्रसाद से मिले थे उनके आपसी मंत्रणा के बाद इस लिस्ट को फाइनल किया गया है। आपको पता होगा कि रघुवंश प्रसाद भी मिलने गए थे, हालांकि बताया जा रहा था कि रघुवंश प्रसाद और जगदानंद सिंह के बीच में तल्खी है, पर राजनीतिक रूप से दोनों की बातों को बड़ी सम्मान दिया गया है और आपको इस बार की कमेटी में चाहे वो जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो उसमें आपको एक नया कलेवर नज़र आएगा और ये सब कुछ 2020 के चुनाव को लेकर के किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नई टीम क्या बिहार में एक बार फिर से आरजेडी की सत्ता को कायम करने में कामयाब हो पाती है। संभावना है कि आज से कल तक घोषणा हो जाएगी और आपके सामने पूरी लिस्ट होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बेल आइकॉन दबाने के साथ ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सभी खबरें आपको फ्री में प्राप्त होंगी, बिल्कुल ही मुफ्त। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।